नमस्कार, बिहार तक देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं आशीष अभिनव। गिरिराज सिंह की यात्रा को लेकर जनता दल यूनाइटेड असहज है, ये खबर तो आपने जरूर सुनी होगी और तमाम नेताओं के आपने बयान सुने होंगे, चाहे नीरज कुमार का बयान हो, अशोक चौधरी का बयान हो, यहां तक कि विजय चौधरी का बयान हो। जेडीयू के तमाम नेता इस यात्रा को लेकर खुश नहीं दिख रहे हैं और नीरज कुमार ने तो यहां तक कह दिया कि उन्हें संविधान लेकर के यात्रा करनी चाहिए, एक हाथ में संविधान लेकर यात्रा करनी चाहिए। क्या इन सब के बीच आपने एक बात गौर किया, क्या नीतीश कुमार एक खास तरह की चुप्पी साधे हुए? नीतीश कुमार सरकारी कार्यक्रमों में शिरकत जरूर करते हैं लेकिन वो बोलते नहीं, कम बोलते हैं। गिरिराज सिंह के प्रकरण पर भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अब तक खास तरह की चुप्पी साध रखी। अब जब भी नीतीश कुमार सियासत में इस तरह की चुप्पी साधते हैं, बिहार की राजनीति में कोई बड़ा खेला हो जाता है। तो क्या बिहार की सियासत में जनता दल यूनाइटेड और बीजेपी में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, इसलिए नीतीश कुमार की यह चुप्पी है? अब समझिए, गिरिराज सिंह जहां से यात्रा की शुरुआत कर रहे हैं वो क्षेत्र है भागलपुर, खत्म कर रहे हैं अपनी यात्रा किशनगंज में। इन तमाम जगहों पर अगर आप देखें तो मुस्लिम बाहुल्य इलाका है। अब नीतीश कुमार की एक सेकुलर क्रेडेंशियल है, तमाम राजनीतिक विश्लेषक ये बात कहते हैं। क्या गिरिराज सिंह की इस यात्रा से नीतीश कुमार के सेकुलर क्रेडेंशियल पर कोई सवाल खड़ा होगा? नीतीश कुमार अब तक की उनकी राजनीति को अगर आपने देखा होगा तो नीतीश कुमार 3C से कभी समझौता नहीं करते, करप्शन हो, कम्युनलिज्म हो और साथ ही साथ क्राइम से नीतीश कुमार समझौता नहीं करते। इसमें 1C जो है वो कम्युनलिज्म का है। गिरिराज सिंह जब मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र से अपनी यात्रा की शुरुआत कर रहे हैं तो क्या नीतीश कुमार और उनकी पार्टी को पोलराइजेशन का कोई खतरा है, डर सता रहा है? साथ ही साथ सीमांचल के इलाकों में नीतीश कुमार की एक अच्छी खासी पैठ रही है, लंबे समय से सूबे की सत्ता पर मुख्यमंत्री हैं और मुस्लिम वोटर भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ जो है वो जुड़े रहे। गिरिराज सिंह की इस यात्रा से क्या नीतीश कुमार का मुस्लिम वोट बैंक भी छिटक सकता है, इस बात का भी डर है? कई राजनीतिक विश्लेषक इस दिशा में अपनी राय जरूर रखते हैं और साथ ही साथ नीतीश कुमार अपनी छवि को लेकर हमेशा से सतर्क रहने वाले नेता रहे हैं। इस पूरे प्रकरण को लेकर क्या कुछ कहते हैं राजनीतिक विश्लेषक प्रदीप झा, ये सुनिए। नीतीश कुमार केवल अपने पार्टी का जो उनका स्टैंड है उसमें उन्होंने उनका 3C से कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करने की बात रही, लगातार कहते आ रहे थे कि क्राइम, करप्शन और कम्युनलिज्म से हम कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। और उस दरमियान जो है अभी जिस प्रकार से गिरिराज सिंह की यात्रा हो रही है तो इससे नीतीश कुमार निश्चित रूप से असहज है और मुझे लगता है कि यह दबाव की राजनीति है और इस दबाव की राजनीति से नीतीश कुमार अलग होंगे ये तो नहीं कहा सकता, लेकिन मुझे लगता है निशाना जो है सीट शेयरिंग है। नीतीश कुमार की जो छवि रही है और नीतीश कुमार की पार्टी का बिहार में राजनीति का जो स्टैंड रहा है उसमें क्या गिरिराज सिंह की यह यात्रा फिट नहीं बैठती है? आपको क्या लगता है? आने वाले समय में उपचुनाव की भी घोषणा हो चुकी है, बिहार की 4 सीटों पर उपचुनाव होने हैं और उसके अगले साल यानी कि 2025 में बिहार विधानसभा का चुनाव होगा। तो क्या गिरिराज सिंह की इस यात्रा से नीतीश कुमार के वोट बैंक पर कोई प्रभाव पड़ेगा? आपको क्या लगता है, इस यात्रा से क्या वाकई नीतीश कुमार असहज होंगे या फिर असहजता की कोई बात नहीं है? ये हमें आप कमेंट करके जरूर बताएं और बिहार की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए बिहार तक। नमस्कार।